बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है, ग्रेगरी सीरीज से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज 1 - 1/3 × 4² + 1/5 × 4⁻⁴ - 1/7 × 4⁻⁶ + टू इन्फिनिटी। इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है। इस सीरीज़ को पहले तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और फिर इसको इस फार्म में बदलने की कोशिश करेंगे ताकि ग्रेगरी सीरीज़ बन जाए, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं 3, 5, 7 अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें ग्रेगरी सीरीज़ का यूज़ करना है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे ही नोट कर दे रहे हैं, उसके बाद लिखते लिखते हम लोग को ये थोड़ा समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। देखिए कि जितनी, लेकिन यहाँ पर देखा होगा ग्रेगरी सीरीज़ में जितने ये नंबर यहाँ लिखे हैं 3, 5, 7 उतने यहाँ पर पावर भी होना चाहिए जो भी इधर है। तो एक की कमी नज़र आ रही है, 3 है तो इससे कम 2 आ रहा है, 5 है तो 4 आ रहा है, जबकि बराबर आना चाहिए 5, 5 और 7, 7, तो एक की कमी है। तो इस एक की कमी को पूरा करने के लिए अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से डिवाइड कर दें, इस वैल्यू को एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे 4, और उसके बाद हमने 4 से इंटू और डिवाइड कर लिया। अगले स्टेप में 1/4 को जब अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर पावर इसकी जो है वो इस नंबर के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 × देखिए 1/4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर किया जा सकता है, और ऐसे में इसे हम लिख सकते हैं 1/4 का होल अप स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 4² आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगले टर्म को भी लिख सकते हैं +1/5 × 1/4 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 की पावर 4 करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगले टर्म को लिख सकते हैं 1/7 × 1/4 की पावर 6 कर सकते हैं +&। अब अगले स्टेप में 1/4 का जब हम इसमें इंटू करेंगे तब इन सब की पावर जो है 1/4 की पावर पहले से एक बढ़ जाएगी, क्योंकि एक पावर बाहर है और जब इंटू होगा पावर इंटू होने पर ऐड हो जाती है तो एक ऐड हो जाएगी। 1/4 का जब इस वाले नंबर 1 में इंटू करेंगे तो 1/4 ही आ जाएगा। इस जो 4 मल्टीप्लाई में है उसको बाहर रखें, 1/4 को अंदर ले जा रहे हैं, 1 में इंटू करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। -1/3 सेकेंड टर्म लिख रहे हैं, 1/4 की पावर 2 था, एक और बाहर से मल्टीप्लाई आ रहा तो 3 पावर हो गई। इसी तरीके से अगला टर्म है 1/5 × 1/4 की पावर 5 हो जाएगा, और -1/7 × 1/4 की पावर 6 था, एक और बाहर से पावर रही 7 हो जाएगा, +&। टू इन्फिनिटी। अब ये सीरीज़ जो है इसे अगर कंपेयर करें, या थोड़ी देर के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं, 1/4 को एक्स के इक्वल मान लेते हैं। बस ये शर्त है यहाँ पर कि एक्स की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में होती है, और जो कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं जो ग्रेगरी सीरीज़ है उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेगरी सीरीज़ का जो सेकंड फार्म होती है जो अभी हम लिखेंगे उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल एक्स इसको हमने मान लिया, अगर बिना माने भी किया जा सकता है, मान लिया है, तो द गिवन सीरीज़ का जो सम आएगा सीरीज़ इक्वल टू हो जाएगी 4 × चल रहा था ये ब्रेकेट, इसको हमने एक्स कह दिया है 1/4 को, तो 1/3 × x³ हो गया 1/5 × 5 - 1/7 × 7 + टू इन्फिनिटी। और हम लोग जानते हैं बाई सेकेंड फॉर्म ऑफ द ग्रेगरी सीरीज, सेकेंड फार्म ऑफ ग्रेगरी सीरीज़ हम लोग जानते हैं ये होती है 10 इनवर्स की फार्म में होती है, 10 इनवर्स = x - 1/3 × x³ + 1/5 × 5 - 1/7 × 7 + ×∞। देख रहे हैं ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका सम यानी 10 इनवर्स x हम इसके लिख सकते हैं। देयरफॉर द सम ऑफ गिवन सीरीज़ आ गया 4 × इस टोटल वैल्यू को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स x जो ब्रैकेट में लिखी हुई थी। अब हम यहाँ पर जो x की वैल्यू है उसको वापस कर देंगे, x की वैल्यू थी 1/4, सो हमने यहाँ पर लिख दिया, और इससे आगे हम लोग कर दे सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है, ज़्यादा कुछ करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतना ही सिंपलेस्ट फार्म में है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।